नेत्र के समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? देखिए इसका हम लोग जो है आंसर लिखेंगे कि नेत्र का ऐसा क्षमता जिसके कारण दूर तथा निकट स्थित वस्तु को लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करके साफ साफ जो है देख सकते हैं, तो आंख के इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं नेत्र का समंजन क्षमता बोलते हैं। मतलब लेंस जो है, नेत्र जो है अपने सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से जो लेंस के फोकस दूरी होता है उसको समायोजित करते हैं और समायोजित करके दूर तथा निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देखते हैं, तो इसी गुण को हम लोग बोलते हैं नेत्र का समंजन क्षमता बोलते हैं हम लोग। और सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें, वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर के एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने 7 अव्ययी वर्णों में विभक्त हो जाता है, तो प्रकाश के इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए, जैसे मान लेते ये जो है प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश हो गया, श्वेत प्रकाश गुजरता है तो यह 7 अव्ययी वर्णों में विभक्त हो जाते हैं। जिसे हम लोग जो है इन रंगों को भिवडियोर द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। या हिंदी में हम लोग इसको जो है बैजानी हपिनाला के द्वारा भी याद कर सकते हैं, बैजानी हपिनाला, या इसको हम लोग इंग्लिश में भिवडियोर द्वारा हम लोग जो है याद रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो है एग्जाम में पूछते हैं कि किस रंग का विचलन जो है ना सबसे अधिक होता है। तो देखिए, सबसे अधिक विचलन जो है किस रंग का है? बैंगनी रंग का है, वायलेट कलर का है। और इसमें पूछा है कि किस रंग का विचलन जो है ना सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो है लाल कलर का होता है। देखिए, सबसे कम जो है मुड़ा है कौन? यहाँ पर लाल कलर मुड़ा है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? तो देखिए, जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण या गैसियस कण उपस्थित होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर पुनः उसे सभी दिशाओं में प्रसारित कर देते हैं, तो इसी घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लेते ये कोई कण है, ये जो है मान लेते हैं प्रकाश किरण है, ये कण जो है इस प्रकाश किरण को अवशोषित करके ये सभी दिशाओं में पुनः जो है प्रसारित कर देते हैं, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन इसका जो है अप्लीकेशन होता है, और इसके आधार पर भी जो है कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछने का भी चांस है इसका। तो देखिए,
आकाश का रंग नीला जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। जैसे जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन आकाश का रंग नीला होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। लेकिन हमारा आंख नीला रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होता है तथा नीला रंग का तरंगदैर्ध्य बैंगनी से हल्का जो है अधिक होता है, इसी कारण जो है आसमान नीला दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर आगे जो है 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, खतरा के निशान के लिए। ये भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, रेलवे सिग्नल में खतरे के निशान के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका विचलन जो है सबसे कम होता है तथा यह अधिकतम दूरी जो है तय करता है, तथा वर्षा के मौसम में या कुहासा में इसका विचलन कम होता है तथा यह रंग काफी दूर से भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस पर ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से यही जो है 5 क्वेश्चन जो है काफी इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे।